देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, एमएम पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर, सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैरमकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में फिजाई आलूदगी का मसला। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। दारुल हुकूमत दिल्ली में फिजाई आलूदगी एक संगीन मसला बनती जा रही है। हर साल मौसम सरमा में ये मसला उरूज पर पहुंचता है और फिजाई आलूदगी खतरनाक सतह तक बढ़ जाती है। हुकूमत दिल्ली की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम का दावा तो किया जाता है, लेकिन साथ ही इसकी जिम्मेदारी पड़ोसी रियासतों पर भी आयद की जाती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में फसलों का कूड़ा जलाए जाने के नतीजे में आलूदगी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो जाता है। इसके नतीजे में आवाम की सेहत मुतासिर हो रही है। ये दरअसल आवाम को जहरीली सांस लेने पर मजबूर करने के मुतरादिफ है। इसके नतीजे में आवाम को सेहत के बेशुमार मसाइल पैदा होने लगते हैं। ये ऐसा मसला है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन आवाम मुसलसल इसके नतीजे में मुतासिर होते रहते हैं। आवाम की सेहत पर इसके असरात दूरस होते हैं और देर से भी जाहिर होते हैं। ये अवामी सेहत और जिंदगियों से खिलवाड़ जैसा मसला है और इसकी वजह सिर्फ हुकूमतों की लापरवाही और खुद बरी जिम्मा होने की कोशिशें हैं। जिस तरह से रियासती हुकूमतें अपने आप को इससे बरी जिम्मा करार देने की कोशिश करती हैं, अगर इसी तरह से इस मसले की एकसुई की कोशिश की जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है। अगर इस मसले को पूरी तरह खत्म ना भी किया जा सके तो इसके असरात को मुमकिन हद तक जायल और कमजोर जरूर किया जा सकता है। दिल्ली की हुकूमत हो या फिर मरकजी हुकूमत हो या दिल्ली की पड़ोसी रियासतों वाली हुकूमतें हों, सभी को यह समझने की जरूरत है कि टाल मटोल से मसले को हल नहीं किया जा सकता। इसके असरात मजीद शिद्दत अख्तियार करते जाएंगे और वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करते हुए या फिर एक दूसरे को मौरूद इल्जाम ठहराते हुए खुद बरी जिम्मा नहीं हो सकते। अवामी जिंदगियों का तहफ्फुज हर एक की जिम्मेदारी है, और अगर सांस लेने में भी आवाम को दुश्वारी होने लगे और इसके नतीजे में इनकी सेहत मुतासिर होने लगे तो ये एक संगीन मसला है। इसको सियासी वाबस्तगी से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है और हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए संजीदगी के साथ इसकी एकसोई पर तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत दिल्ली की जानिब से कुछ मामूली से इकदाम किए जाते हैं और स्कूल्स को तातील दे दी जाती है। गाड़ियों के चलन और गैर जरूरी तामीरात पर भी रोक लगाई जाती है। तहम ये सब कुछ आरजी और मामूली से इकदाम हैं। इसके अलावा हुकूमत दिल्ली की जानिब से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की हुकूमतों को भी इसके लिए जिम्मेदार करार दिया जाता है और ये कहा जाता है कि फसलों का कूड़ा नजर आतिश किए जाने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है। इस बात में सच्चाई भी है। पड़ोसी रियासतों की हुकूमतों को भी इस मामले का संजीदगी से नोट लेते हुए इसकी एकसुई की कोशिश करने की जरूरत है। अगर मरकजी हुकूमत अपनी निगरानी में इन तमाम रियासतों की हुकूमतों से राबता करे और इनका इजलास मुनक्किद करते हुए माहिरीन से तजावीज हासिल करके कोई मंसूबा तैयार करे और इस पर तमाम रियासतें संजीदगी से अमल करें तो यह इंतहाई संगीन नवीयत का और हुसास मसला हल हो सकता है। कम अज कम इसके असरात को कम से कम किया जा सकता है और अवाम की सेहत का तहफ्फुज भी किया जा सकता है। अगर इस मसले को अवामी सेहत की बजाय सियासी वाबस्तगी की नजर से देखा जाए जैसा अब किया जा रहा है तो फिर इसका हल दरियाफ्त होना आसान नहीं है। सियासी जमातें और कायदीन तो अपने आप को बचा लेंगी, लेकिन अवाम और उनकी सेहत पर इसके जो असरात मुरतब होंगे इनको खत्म नहीं किया जा सकेगा। ये एक तरह से अवाम की सेहत और उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ करने जैसा अमल ही कहलाएगा। चूंकि मरकजी हुकूमत भी दिल्ली से काम करती है और कुछ उमूर मरकज के भी इख्तियार में हैं, ऐसे में मरकजी हुकूमत को इसमें कायदाना रोल अदा करने की जरूरत है। तमाम मुतल्लिका रियासतों का इजलास तलब करते हुए इस पर काम करना चाहिए। हर रियासत से तजावीज हासिल करते हुए असल मसले की संगीनी को कम करने के मकसद से आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर अवाम की सेहत पर मुसलसल असरात मुरतब होते रहेंगे। सेहतमंद हिंदुस्तान की तामीर की जो कोशिशें हुकूमतें करने का दावा करती रहती हैं, इनकी पोल खुल जाएगी और ये वाजे हो जाएगा कि हुकूमतों को अवाम और उनकी सेहत की कोई फिक्र और परवाह नहीं रह गई है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।